हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, तो जो रिलेशन था उसे हमने इस एरो डायग्राम से डिफाइन किया था। अब उस रिलेशन के अंदर जिसकी पी सेट है, ये पी सेट के सभी एलिमेंट्स यहाँ आए क्योंकि यहाँ आए। अब जो पी का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्यू के इस एलिमेंट में मैप कर रहा है, जो बी है वो 4, 6 में मैप कर रहा है। अब जो ए है, ए 2 में मैप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए की इमेज है 2, ये 2 इसकी इमेज है। ऐसे बी की इमेज 4, 6 है, सेम सी की इमेज 8 है। तो जो ये सेट है पी का, इसे हम कहेंगे डोमेन। एंड जो क्यू है, क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स हैं हमारी को डोमेन कहेंगे इसे सेट को। और जो पी के एलिमेंट्स की जो इमेज है 2, 4, 6, 8, इस इमेज का जो एक सेट बनेगा वो उसे हम कहेंगे रेंज। जैसे कि जो रिलेशन है हमने दिखाया ए का 2 के साथ मैप, ऐसे ऑर्डर पेयर में एक सबसेट बना दिया रिलेशन से, और जिसमें एक्स बिलोंग करेगा पी से और वाई जो है बिलोंग करेगा क्यू से। जो एक्स है वो क्या होगी, प्री इमेज, और वाई क्या होगी, इमेज। और इसमें डोमेन क्या हुआ, पूरा का पूरा पी सेट, और को डोमेन पूरा का पूरा क्यू सेट, एंड रेंज क्या होगी, जो उसकी इमेज का सेट होएगा। और तो हम कह सकते हैं इन शॉर्टली जो रेंज है वो को डोमेन का सबसेट है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, जैसे जो हमने डायग्राम से डिफाइन किया था उस रिलेशन कैसे था, ए से बी के अंदर वो पी से क्या होता, हमने यहाँ ए से बी लिया है। रिलेशन को नाम दिया एफ। एफ एक रिलेशन है ए से बी, उस रिलेशन को हम फंक्शन तभी कहेंगे जब हर एक एलिमेंट, जो ए का हर एक एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी। जैसे यहाँ पर ए की इमेज 2 थी, बी की 2 इमेज थी 4, 6, तो फंक्शन के अंदर ए की एक ऐसे बी की भी एक होनी चाहिए अगर फंक्शन बनाना है। इसलिए फंक्शन के लिए ए के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी। और हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ए को एलिमेंट ए से है, बी एलिमेंट बी से ले लिया, तो और ये फंक्शन से तभी बिलोंग करेगा। अगर ये फंक्शन से हम कह रहे बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर एफ ऑफ ए जो कि होगा उस पर बी आएगा। बी क्या है, इमेज ऑफ ए, और ए क्या होगी, प्री इमेज ऑफ बी अंडर फंक्शन एफ या रिलेशन एफ। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक रिलेशन डिफाइन किया है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, और फंक्शन कैसा हम डिफाइन कर रहे हैं, वाई इक्वल टू 2x, ये रिलेशन है। जैसे अब अगर एक्स की वैल्यू, अब देखो वाई का पूरा नेचुरल नंबर है, यानी कि हमारी जो कोड डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और जो डोमेन है डोमेन के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। तो इसे ऐसे डिफाइन किया है, बी के अंदर एन नंबर्स हैं, ए के अंदर 3 नंबर्स हैं, ये क्या है डोमेन, ये क्या है कोड डोमेन। अब अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की 2 आएगी, एक्स की 2 तो वाई की 4, एक्स की 3 तो वाई की 6। तो यहाँ से हमने इसकी मैपिंग डिफाइन कर दी। तो इसका मतलब हमारे पास इमेज क्या आई, 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6। तो ऐसे क्या पता चला, डोमेन क्या आई, 1, 2, 3, को डोमेन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट, एंड रेंज क्या आया, जो इमेज का सेट है, इमेज क्या थी 2, 4, 6, सेट ऑफ इमेज। तो ये हमारा हुआ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अंदर हर एलिमेंट की एक सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।